नाम बताएं जी अपना। लियास। लियास आप क्या करते हैं? मैं WMC में मुलाजिम हूं। तो कैसा जा रहा है काम? ठीक जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। क्या क्या करते हैं आप? हमारा काम सफाई का है, सफाई करते हैं हम। रोज डेली हाँ, जाहिर हूँ, हमने काम तो करना है। बताएं कि सुबह के दोपहर की शिफ्ट आप? हाँ, दोपहर की है। दोपहर में सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? ऑफिस आए फिर करने गए काम, मतलब अपनी सफाई सफाई कर ली तो लोग दोबारा गंद फेंक देते हैं? वो फेंक देते हैं। कोई अगर आपके सामने फेंके आप रोकते नहीं कि भाई डस्टबिन लगा? रोकते मगर वो नहीं रुकते। क्या हल किया जाना चाहिए? यार यही किया जाना है उनको, आप समझ होनी चाहिए, हम गंद पा रहे हैं तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को समझ आ जाती है खुद? नहीं, वो समझ नहीं आती। एक ऐसा हल आप होते, आपके पास अगर कंट्रोल आ जाए ना, जैसे मेरे पास कंट्रोल आ गया, मैं कहूँगी जो जिसके जो गंद फेंके उसकी पॉकेट में डाल दो सारे, या बैग में डाल दो सारे जो वहाँ पर मौजूद हो, ऐसा कोई एक हल बताना है, क्या करना चाहिए ऐसी आवाम? ऐसी आवाम के साथ तो नहीं, ऐसी आवाम तो समझती नहीं ऐसी। आप फिर उठा ले मानना, जुर्माना अगर किया जाए ना ऐसी आवाम को, तो फिर वो समझ में आता है यार मुझे जुर्माना पड़ जाएगा। कितना जुर्माना? वो तो एक अगर बिस्किट आपको हक मिल रहा है ना, आपको आपने बताना है, ठीक है, इमेजिन करना है, अगर एक पैकेट बिस्किट का खा के किसी ने फेंक दिया है रैपर, उसे कितना जुर्माना? उसका तो एक रैपर का भी ना 100 रुपया होना चाहिए। 100 रुपया जुर्माना होना चाहिए, और अगर दूसरी बार फेंके तो 200। हाँ जैसे ही है बेहतर हो सकती है, क्योंकि जी जी। और क्या सबसे बुरी बात आपको क्या लगती है लोगों की? क्योंकि जब घर में भी साफ सफाई हो जाए तो अम्मी कहती है भाई जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, पाँव ना लगा देना, तो आपको सबसे बुरा जहर बंदा कौन लगता है जब आप सफाई करके हटे, वो क्या हरकत? हमको वो ही बुरा लगता है जो हम सफाई करते हैं वो उधर ही फेंक देते हैं दोबारा, ठीक है ना, तो फिर हमको बुरा लगता है यार हम इतनी अम्मी मेहनत की है, हम इतने उधर ही फेंक दिया, और हमारी गाड़ी भी खड़ी होती है मगर वो गाड़ी में नहीं फेंक रही, डस्टबिन भी होती है, नहीं डस्टबिन भी फेंक दे, उधर नीचे ही फेंक देते हैं। बंदे को ही उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए, व्हाट डू यू से? जी आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप रैपर्स नीचे फेंक रहे हैं, कोई मैसेज देंगे आवाम को, कोई पैगाम? हम यही मैसेज देंगे भी आप तैयार करें, आपका पाकिस्तान है उसको सफाई खुद रखें, हम तो आएंगे मगर आप भी सफाई रखें, ठीक है, सफाई करने के लिए अगर कोई मौजूद है इसका ये मतलब नहीं है कि सफाई हो गई है तो आप फेंकते रहें रैपर्स जो है बैग में डाल के ले जाएं, घर में डस्टबिन में फेंक दें, अगर आपने यहाँ पर डस्टबिन ढूंढने की वो नहीं करनी जहमत, मुझे ये बताएं जो जैसे कि उन्होंने बताया कि सेकंड शिफ्ट में जो है कूड़ेदान भी साफ होते हैं, कूड़ेदान में कूड़ा मौजूद होता है क्योंकि हर कोई नीचे ही तो फेंक? नहीं, वो साफ भी होते हैं फिर भी नीचे ही फेंक दे। खाली होते हैं? खाली भी होते हैं, साथ फेंक दिया, अक्सर ये होता है कि डस्टबिन लगा लेकिन साथ ढेर ऐसे ही नहीं डालते होती है, साथ ही ढेर भी लगाता है मगर वो डस्टबिन में नहीं फेंकते।